बीते कुछ वर्षों में भारत ने तकनीकी रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। ये तीनों एक दूसरे से न सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि इनका सुरक्षा के लिहाज से काफी बड़ा योगदान है। फिर चाहे वो इसरो हो या DRDO या फिर तकनीकी के क्षेत्र में काम कर रही दूसरी कंपनियां हो, इन सभी का देश की सुरक्षा में काफी अहम योगदान है। भारत की गिनती आज दुनिया की 5 बड़ी सैन्य शक्तियों में होती है। वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। इस क्षेत्र में भारत ने चीन समेत पाकिस्तान को भी पछाड़ कर रख दिया है। वहीं भारत के रक्षा बजट में भी जबरदस्त इजाफा किया गया है। भारत अपनी रक्षा तैयारी पर सबसे ज्यादा रकम खर्च करता है। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के मुताबिक भारत रक्षा तैयारी में खर्च करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। साल 2016 में भारत का सैन्य खर्च 8.5% तक रहा और भारत ने सेना पर $55.9 बिलियन खर्च किए हैं। सीप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2016 के बीच दुनिया के कुल शस्त्र आयात में भारत की हिस्सेदारी 13% रही, जो सभी देशों में सर्वाधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2011 और 2012 से 2016 के बीच भारत का शस्त्र आयात 43% बढ़ गया है। भारत के पास इस समय बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जो पड़ोसी दुश्मन देशों पाकिस्तान और चीन के किसी भी शहर को निशाना बनाने में सक्षम है। तमाम भारतीय और विदेशी कंपनियां भारत के रक्षा उपक्रमों में निवेश कर रही हैं। अर्जुन टैंक, तेजस फाइटर जेट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा भारत धनुष तोप, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका, इंसास राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट हेलमेट, सेना के लिए विशेष ट्रक गाड़ियां, मिसाइल, अरिहंत पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे तमाम हथियार और सैन्य उपकरण बना रहा है। वही अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत में F-16 लड़ाकू विमान का कारखाना खोलने में रुचि दिखा रही है। टीम इंडिया।